आज देशभर में जो भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और वो सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य के साथ बनाए जा रहे हैं। आज भारत में 100 स्मार्ट सिटी का काम तेज गति से चल रहा है। सीवर से लेकर सर्विलांस तक स्मार्ट व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इस व्यवस्था का आधार है। देश के नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नए हाईवेज के साथ साथ विकसित हो रही अन्य सुविधाओं की सारी ऊर्जा जरूरतें सोलार पावर से पूरा करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मेट्रो जैसे सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी सोलार एनर्जी से जोड़ा जा रहा है। वहीं रेलवे की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। साथियों, आज भारत में घरों से लेकर के गलियों तक, दफ्तरों से लेकर के सड़कों तक, पोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट तक वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम तेज गति से चल रही है। एलईडी बल्ब से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक हर स्तर पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घर के किचन से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक को क्लीन फ्यूल बेस्ड बनाने की तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं।